उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और जिसका परिणाम 3 जून को आएगा। दरअसल पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, इसलिए अब उपचुनाव हो रहा है। चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। सीएम धामी ने जब चंपावत उपचुनाव के लिए आज नामांकन किया तो उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे। इसके साथ ही अल्मोड़ा से बीजेपी के लोकसभा सांसद अजय टमटा भी नामांकन के दौरान मौजूद थे। दरअसल चंपावत विधानसभा सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। सीएम धामी के लिए अपनी सीट कुर्बान करने वाले बीजेपी नेता कैलाश गहतोड़ी भी नामांकन के दौरान मौजूद थे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने से पहले सीएम धामी ने बंखंडी महादेव मंदिर खटीमा में पूजा अर्चना की। साथ ही कहा कि मां पूर्णागिरी, मां शारदा, श्री गोलजी महाराज के आशीर्वाद से आज चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का स्नेह एवं समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप अपना बहुमूल्य समर्थन देकर मेरा हौसला अवश्य बढ़ाएंगे। मैं चंपावत की सम्मानित जनता को यह वचन देता हूं कि क्षेत्र के निरंतर विकास हेतु पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। मैं चूंकि सभी देवी देवताओं का, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का, सबका आभारी हूं, सबका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम चुनाव में वहां से प्रचंड बहुमत से श्री कैलाश चंद गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से जिताया था और उन्होंने वहां से आग्रह किया था कि मैं उस क्षेत्र से अब प्रतिनिधित्व करूं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, अब मैं बनखंडी महादेव के प्रांगण में हूँ। बनखंडी बाबा का, हमारे पूर्णागिरी मैया का, गोलजू महाराज का, शारदा मैया का, माँ बाराही का, हिंगला देवी का, रणकुची मैया का, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हूँ।